ससुराल से निकाली गई विवाहिता न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाती फिर रही है। डौकी थाने में मुकदमा तो लिख लिया गया लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही। शुक्रवार को योगी युद्ध ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीड़ित परिवार जगदीशपुरा थाने पहुंचा। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में ससुराल से निकाली गई विवाहिता इधर उधर भटक रही है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। डौकी नौमीर के रहने वाले नाहर सिंह की बेटी चंद्र सखी का विवाह 16 फरवरी 2021 को गुलाब नगर बोधड़ा के रहने वाले नरेंद्र से हुआ था। योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के साथ जगदीशपुरा थाने पहुंची चंद्र सखी का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति ने उत्पीड़न शुरू कर दिया। आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था, बाद में घर से निकाल दिया। रख नहीं रहे नरेंद्र कुशवाहा, ये कहते मुझे नहीं रखनी है। 16 फरवरी 2021 को उनके संपर्क अन्य महिलाओं से हैं और कहते तुझे मार दूंगा, मुझे नहीं रखना है, तू मर जा। मार पीट था और टॉर्चर करते हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। बगैर बात के परेशान करते रहते हैं और एक साल हो गया मैं बच्चे के लिए कहाँ जाऊँ, बस इधर से इधर बज रही हूँ। लेकिन एक लाला है, एक साल हो गई, बीच से पंचायत होकर ले गए, एक दो महीने रह के फिर उन्होंने मारपीट की और उसमें मारपीट के जो मजेट हैं उन्होंने मारपीट की थी, गेट बंद करके और छेड़छाड़ भी की थी लड़के बुला के, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ से जगदीशपुरा से हम बजा दिए थे, कह रहे कि इस पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपके साथ कोई ऐसा मारपीट नहीं हुई। फिर हम यहाँ से परेशान होकर फिर हम डौकी पे लिखाया था हमने मुकदमा। ससुराल से निकाली गई विवाहिता की तहरीर पर डौकी थाने में मुकदमा लिख लिया लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। शुक्रवार को जगदीशपुरा थाने में कार्यवाही की गई लेकिन मामला दर्ज होने पर पुलिस ने विवाहिता को डौकी थाने भेज दिया। योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी का कहना है कि अगर थाने में सुनवाई नहीं हुई तो अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। विवाद यह है, चंद्र सखी नाम की जो है बहन है हमारी और इनका विवाह हुआ था यहाँ बोधला के गुलाब नगर में नरेंद्र कुशवाहा से, और विवाह के बाद ही इनको कुछ परेशान किया जाने लगा होगा। जो भी देखिए घरेलू मसले होते हैं जो मीडिया के सामने शायद मैं ना कह पाऊँ, उनका पर्सनल मामला, उसको लेकर ये हमारे पास आए थे कि हमारी मदद कीजिए आप प्रशासन में कि हमारा न्याय मिले हमें। उसको लेकर मैं यहाँ जगदीशपुरा इनको लेकर आया था। इनका जो मुकदमा लिखा हुआ है थाना डौकी में, क्योंकि इनका जो मायका है जो ये वहाँ के निवासी हैं वो थाना डौकी के अंतर्गत लगता है जो कि बमरोली कटारा हो गया है, लेकिन जो इतनी ससुराल है जो घटना स्थल है वो जगदीशपुरा लगता है, तो थोड़ा यहाँ से भी कुछ कार्रवाई हो। तो यहाँ थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपका मुकदमा लिखा होगा, विवेचक से मिलिए, वो आपको जो है उचित न्याय आपको दिलाएंगे, उसमें जो है कार्रवाई करेंगे। देखिए योगी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी और प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा, कहीं भी लापरवाही बरती जा रही है तो उच्च पदाधिकारियों से मिलेंगे। विवाहिता का कहना है कि ससुराल से निकालने के बाद दोनों पक्ष के संभ्रांत लोगों की पंचायत हुई। पंचों के समझाने के बाद विवाहिता को ससुराल वाले ले गए थे लेकिन बाद में फिर वही रवैया अपनाकर घर से निकाल दिया था। वह बच्चे के साथ नौमीर मायके रहने को मजबूर है। विवाहिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।